SBS News। संबल मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। रामपुर महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। बदायूं बैंक पर लगाया मनमानी का आरोप। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में कोरोना वायरस का दूसरा चरण बीत चुका है। योगी आदित्यनाथ में हाथरस की घटना को त्रासदी कहने की होनी चाहिए थी शालीनता राहुल गांधी। रामपुर आजम खान के करीब पूर्व सीओ आले हसन खान के बेटों को जमीन पर चली प्रशासन की जसीबी। आवारा कुत्तों ने हमला कर मासूम को किया लहूलुहान। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। रामपुर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की संगत चेकिंग। रामपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिल्पी रानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार ने विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। संबल लाठी चार्ज को जाट समाज में आक्रोश सौंपा ज्ञापन। बदायूं हिंदी जागरण मंच की बैठक में सर्वप्रथम लव जिहाद का शिकार होकर मारी गई युवतियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। संबल चिकित्सकों को कोरोना योद्धा सम्मान ने किया सम्मानित। संबल गरीबी व असहायों की आवाज बनेगी राष्ट्रीय राजपूत करनी जी है। मुरादाबाद अमरोहा के ग्राम हुसैनपुर में आज सुबह एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का है, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बदायूं बिलती नगर के अगोल रोड स्थित कब्रिस्तान के निकट आज सोमवार को कोतवाली पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बाराबंकी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा, एक मरा 3 अन्य घायल। रामपुर जमीन मुक्त कराए प्रशासन, नहीं तो होगा आंदोलन। बदायूं विलती किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त की जाए। संबल मुरादाबाद मार्ग स्थित जनता पेट्रोल पंप के निकट ई रिक्शा चालक की स्कूटी सवार युवक ने टक्कर लगने पर जमकर धुनाई दी। बदायूं बिलती आरोपी को जल्द ही जाए फांसी की सजा। हाथरस मामले में एससी ने यूपी सरकार से मांगी गवाहों की संरक्षण की जानकारी। सीजीआई ने घटना को हृदय विदारक बताया। इस बार नहीं जलेगी पराली, दिल्ली के खेतों में 11 अक्टूबर से जैव विघटन घोल का होगा छिड़काव।